नमस्कार दोस्तों, 12वीं के एग्जाम हो चुके हैं और आप अपनी तैयारी को अगले चरण में लेकर जाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या 12th के बाद IAS की तैयारी करना चाहिए। तो जहां तक मेरा मानना है, जो अनुभव है, वो जितनी जल्दी आप तैयारी में उतर जाते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट होता है। आपके पास टाइम ज़्यादा रहता है, प्रेशर कम होता है और आप अपनी तैयारी को एक नए डायमेंशन में लेकर जा सकते हो, एक नए आयाम में लेकर जा सकते हो। अब सवाल है कि कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ साथ हम अपनी IAS की तैयारी को, उसके ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम पहली बात करें तो हमारे सामने पहला टास्क होता है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का जो चुनाव होता है, यानी कि अगर हम बात करेंगे जो UPSC में हमें टॉपिक्स देने हैं, तो फर्स्ट में हमारे पास 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और साइंस। तो जो तैयारी का पहला स्टेप होता है, उसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स पे एक थोड़ा सा इंटरेक्शन करना होता है, उनके बारे में जानना होता है। तो बेस्ट वे, चाहे तो आप NCERT है, चाहे वो अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए कोई कॉन्सेप्टर का बेस, आप उसको कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये होता है। दूसरा, जो स्किल स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है न्यूज़पेपर रीडिंग की। जनरली स्टूडेंट के बारे में ये भ्रांतियाँ हैं कि अभी हम पढ़ाई क्यों करें। बच्चे पूछते हैं कि सर कब से हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करें। तो करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप उस दिन आएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये सबसे बड़ी गलती हमारे स्टूडेंट से हो जाती है। ये देखा गया है कि जो भी टॉपर्स हैं, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, अच्छी रैंक लेकर आते हैं, उनके अंदर एक बहुत कॉमन फिनोमिनन होता है, आदत होती है, और वो होता है न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो न्यूज़पेपर जो है, वो उसका पर्पस करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना ही नहीं होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो आपका एक कॉन्टिन्यूटी बनती है कि जो भी देश विदेश में चल रहा है उसके विषय में आप एक जानकारी ले लें। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होता है, जो विभिन्न विद्वान होते हैं, जो डिफरेंट जो एरिना के लोग होते हैं, अपनी जो स्पेशलिटी होती है वो लिखते हैं। इसमें क्या होता है, आपके दिमाग में अच्छे शब्द, अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं, अच्छे थॉट आपको आगे चलकर अच्छी आंसर राइटिंग के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है, वो आपके एकेडमिक्स का पार्ट होना चाहिए, आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। कम से कम एक घंटा ही सही आप न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए दें। दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं, क्या उनकी कटिंग करके रखें। तो अगर आप अभी 12th कर आए हैं, तो आप अभी नोट्स बनाने पर मत जाइए। या अगर करना चाहते हैं तो एक नोटबुक ले लीजिए, इसमें 5 अलग अलग सेक्शंस हों, और जो भी न्यूज़ आ रही है उसके बारे में 2 या 3 पॉइंट की लिखने की आदत डालिए। ज़रूरी नहीं कि आप एडिटोरियल पढ़कर उसके पूरे पूरे नोट्स बनाएं, लेकिन सवाल ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि आप उसको पढ़िए जरूर, आप उसको जानिए कि आखिर न्यूज़पेपर में क्या बातें चल रही हैं, और वो धीरे धीरे एक प्रोसेस में आपके साथ आता जाएगा। अब ऐसा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अगर आपके प्रधानमंत्री ने भी कहीं विजिट किया है, तो आप उसके लिए अननोन नहीं है कि आप कोई मैगजीन आएगा हम पढ़ेंगे। तो आपको क्या होता है, ये पता होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहां गए, कहां किससे बात की, हमारी कंट्री में कौन आया, हमने कौन सा जो है वो अभी इकोनॉमिक स्टेप लिया है। तो आप इनके बारे में एक अवेयर होते हैं। ये जो अवेयरनेस होती है, यही हमारी सक्सेस का कोर होती है। तो याद रहेगा, न्यूज़पेपर आपकी पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अगला है आपके नोट्स मेकिंग मेथड्स। तो नोट्स मेकिंग मेथड्स पे मैं काफी बातें कर चुका हूं। कोशिश करिए कि आप पॉइंट वाइज नोट्स बना सकें या फ्लो चार्ट में नोट्स बना सकें, तो बहुत अच्छा होगा। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आप सजाना शुरू करिए। एक अपनी अलग नोट्स की कॉपी बनाइए, उसके जो पॉइंट्स उसमें लिखते रहिए। नोट्स जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक होने चाहिए, जैविक इस तरह होने चाहिए कि अगर उसमें कोई नया पॉइंट जोड़ना है तो आप कुछ समय बाद उसके कुछ पॉइंट्स उसमें एड ऑन कर सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और चौथा स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। ये स्किल वो स्किल है कि अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि टॉप करने वाले और फेल होने के पास, जो दोनों के पास एक कॉमन चीज़ होती है, उनका समय होता है। जिसका समय प्रबंधन जितना अच्छा होता है, वो उतनी आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करता है। सो टाइम मैनेजमेंट, अपना कॉलेज का टाइम, अपना UPSC का टाइम, अपने हेल्थ का टाइम, अपने जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम, आपको ये 4 सेक्शंस बांटने पड़ेंगे। यानी आप अपने एकेडमिक्स जो आपका चल रहा है ग्रेजुएशन में, उसके लिए एक टाइम सेट करेंगे। साथ ही साथ आप जो UPSC के लिए 3 घंटे 4 घंटे डिवोट करना चाहते हैं, वो आप टाइम डिवोट करेंगे। आप अपना एक टाइम हेल्थ के लिए डिवोट करेंगे, चाहे योग हो, चाहे जिम जाना हो, कुछ भी हो वो टाइम। और एक अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, यानी मेडिटेशन, प्राणायाम, इसकी वजह से आप जो सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें, इसका टाइम आप डिवोट करेंगे। तो ये जो 4 सेक्शन है, वो आपके इसमें डिवोट होने चाहिए, और इन डिवोशन के माध्यम से आप इसको लगातार फॉलो करें। ऐसा भी होगा कि शुरुआती दिनों में आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, आप हो सकता है अपने टारगेट को मैनेज ना कर पाए, लेकिन ये धीरे धीरे बार बार होने वाला प्रोसेस है। और एक एक सेगमेंट को फिक्स करिए, जैसे कि मेरा जो एक्सरसाइज का टाइम है उसको मैं फिक्स कर लेता हूं, तो धीरे धीरे आपका एक जो बॉडी साइकिल है उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगी। अब
मेरे ये कॉलेज जाने का टाइम है, मेरा ये फिक्स है, आपने उस कॉलेज जाने के टाइम को फिक्स कर लिया, अब आपका दो सेगमेंट पूरे हो गए, अब आपने देखा कि आपका यूपीएससी का टाइम है, तो चलिए शुरुआत में हम 5 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, हम 2 घंटे देंगे, आपने वो 2 घंटे फिक्स किया, धीरे धीरे उसको बढ़ा के 3 घंटे 4 घंटे आप धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करते जाएंगे, तो आपकी जो बॉडी है और आपका जो माइंड है वो इसके लिए हैबिचुअल होता चला जाएगा। यानी अपने दिन को 4 हिस्से में बांटिए और उनके लिए एक एक करके अपने आप को हैबिचुअल करते जाइए। पावर ऑफ हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है। अगर हमें किसी चीज़ की आदत बन जाए हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, तो वो चीज़ें अपने आप ऑटो ड्राइवर मोड में चली जाती हैं, ऑटो पायलट मोड में चली जाती हैं और आप भी आसानी से सफलता की तरफ सेल कर जाएंगे। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास वो जल्दी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम पहले दिन उतरेंगे और सारी चीज़ों को एक साथ कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलिए और देखिए कैसे ग्रेजुएट होते होते सफलता आपके कदम चूम रही होगी। तमाम आज की डेट में ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बहुत ही कम उम्र में है, बहुत ही फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एग्जाम दे रहे हैं और वो न सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, उसको जो है वो धूम धड़ाके के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं और सभी युवाओं के लिए रोल मॉडल हो रहे हैं। तो आज किस्मत ने आपको वो मौका दिया है कि आप भी जाने कितने लोगों के रोल मॉडल हो सकते हैं। अपनी बेसिक शर्तों को पूरा करिए, अपनी तैयारी को धुन में लग जाइए, अभी से अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए और देखिए आने वाले युवा आपकी फोटो को अपनी डीपी बनाते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं, आपके फेसबुक पेज पे आपको फॉलो करते हैं और आप इस नेशन के हीरो बन जाते हैं। आपके इंटरव्यूज लिए जाएंगे, आपके जो साक्षात्कार होंगे और सभी आपकी तरफ बनना चाहेंगे।